हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजू पे एसटीआरसी टेक। तो आप देख रहे हैं एसर का मदरबोर्ड जिसका मॉडल नंबर है B350AM4-M। ठीक है, तो AMD और ये राइजन सीरीज का है। इस पे 97 देखिए सीरीज का प्रोसेसर लगता है। ठीक है, राइजन भी आप लगा सकते हैं, राइजन भी इस पे सपोर्ट करता है। तो चलिए क्या प्रॉब्लम है एक बार चेक कर लेते हैं। जैसा कि हमने एनालाइजर यहाँ पे देखिए आप लगा रखा है, और चलिए चेक करते हैं। तो देखिए ऑन हो करके बंद हो चुका है। ठीक है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ये शॉर्टिंग की प्रॉब्लम होती है इस तरह की। एक बार दोबारा चेक करा देता हूँ, थोड़ा ऑन होता है और बंद हो जाता है। यानी कि चलिए एक बार पंखा भी लगा देता हूँ, उससे आप समझ पाएंगे कि थोड़ा जर्क हुआ और बंद हो गया। तो इसको कैसे रिपेयर करें ये आप देखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार दिखा देता हूँ दोबारा। तो देखिए फ़ैन घूमा और बंद हो गया। अब दोबारा मैं इसको ऑन करूँगा तो ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहला कुछ ट्रिक बताऊँगा मैं आपको, आप वो फॉलो करें और 110% आपका मदरबोर्ड रिपेयर होगा और ये आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रॉब्लम होती है ये हमारी VR सेक्शन से प्रॉब्लम होती है, जो कि CPU वोल्टेज को सेक्शन से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको क्लियर करने के लिए हम इस वायर को यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, और निकालने के बाद एक बार ऑन करके SMPS से फिर पैनल से ऑन कर लेंगे। यदि हमारा यहाँ पे ऑन हो जाता है तो देखिए ऑन हो चुका है, फैन भी चल रहा है और आपका यहाँ पे डीबग कार्ड यानी कि एनालाइजर में भी 00 कोडिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसी सेक्शन से प्रॉब्लम है। ये तो किया हमने फाइंड आउट कि किस सेक्शन से क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब क्या इसमें ख़राब है ये आपको चेक करेंगे मल्टीमीटर के थ्रू। तो वीडियो से बने रहें, पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम टेस्टिंग की तरफ मल्टीमीटर से। तो उसके लिए हमें ये सारे कनेक्शन निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें देखिए सारे कनेक्शन निकालने पड़ेंगे और मल्टीमीटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और अब हम शॉर्टिंग चेक करेंगे, ये प्रोसेसर को भी निकाल के शॉर्टिंग चेक करेंगे। शॉर्टिंग चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बीप रेंज पर रखेंगे और यहाँ पे जो आपका 12 वोल्ट का जो सेक्शन है उसको चेक करेंगे। ठीक है, थोड़ा डस्ट सा आ रहा है, इसको ब्रश मार के क्लीन कर लेंगे हल्का सा, जिससे आपकी रेजिस्टेंस भी क्लियर हो चुकी। ठीक है, और आप यहाँ पे भी ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस वाइज आप चेक कर सकते हैं। यदि आपका देखिए यहाँ पे ये हमारा शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, शॉर्ट नहीं दिखा रहा है तो हो सकता है हमारा प्रोसेसर भी ख़राब हो, क्योंकि जो जंक मार रहा है तो उस केस में हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा शॉर्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अभी तक हमें कोई शॉर्टिंग मिली नहीं है, तो हो सकता है हमारा प्रोसेसर भी ख़राब हो। तो उसके लिए हमें प्रोसेसर को चेक करना होगा। ठीक है, अभी कोई टेस्टिंग में हमें। तो दोस्तों चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें शॉर्टिंग है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें शॉर्टिंग मिली है।
ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे भी शॉर्ट बोल रहा है और इधर भी शॉर्ट बोल रहा है, ठीक है। और इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी शॉर्ट बोल रहा है। तो एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं। थोड़ा प्रोटेक्शन, अपनी सेहत भी ज़रूरी है, थोड़ा इसे फिल्टर को चला लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बाहर निकल गया कंपोनेंट, वहाँ भी चेक कर लेते हैं। अब इसकी बारी, शॉर्ट तो ये भी अभी नहीं बोल रहा है। देखिए यहाँ पे इसको भी ओपन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, फिर उस सेक्शन को रिमूव करके चेक कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों शॉर्टिंग का फंडा थोड़ा अलग होता है, उसमें कंपोनेंट निकाल के चेक करना होता है, ठीक है। फैन रख लेंगे और ऑन कर, तो देखिए अभी नहीं शॉर्टिंग क्लियर हुई है हमारी। तो फिर एक बार इसको भी रिमूव कर लेंगे निकाल के। ठीक है, इसको चेक कर लेंगे, इसमें भी हमारा शॉर्टिंग कर लेंगे, ये भी हमारा शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। बट एक बार फिर इसको मैं चेक करूँगा, ठीक है, ऑन करने के बाद। अभी दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, बट मैं इसमें शॉर्टिंग आपको ज़रूर ढूंढ कर दिखाऊंगा, क्योंकि वन बाय वन कंपोनेंट एक एक करके इसको करना पड़ेगा। इससे तो मैं सारे जो है सेक्शन रिमूव कर लेता तो ज़्यादा बेटर रहता है। चलो कोई नहीं,
देखिए यहाँ पे ये भी शॉर्ट है, ठीक है, और ये भी शॉर्ट है। तो चलो लगे हाथ है, इनको भी निकाल लेता हूँ। ये सॉर्टिंग का जो मेथड होता है वो कुछ भी हो सकता है, पूरा मॉस्फेट भी चैनल के साथ सॉर्ट हो सकता है, ठीक है, कोई नहीं। चलिए एक बार फिर चेक कर लेता हूँ प्रोसेसर लगा के, ठीक है। ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो शॉर्टिंग कहाँ मिली है, आप समझ गए होंगे कि ये फॉल्ट कहाँ है। आपके सामने देखिए बिल्कुल लाइव चला है, और आपने देखा कि किस तरह हमने शॉर्टिंग को निकाला है, ठीक है, ढूंढ करके। तो इस तरह आप शॉर्टिंग निकालेंगे, बट जो आपका वन बाय वन करके आप कंपोनेंट लगाते जाएं जो आपने निकाला है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों शॉर्टिंग ढूंढने में, कोई भी मॉस्फेट आप लगा सकते हैं इसी सीरीज में, ठीक है। यानी कि ये वाले पैनल हम पूरा कर देते हैं, ठीक है। ये देखना भी होता है किधर से लगता है, ठीक है। तो ये मॉस्फेट हम लगा चुके हैं, और अब देखते हैं बारी आती है उसकी कि विदाउट मॉस्फेट के हमारा प्रोसेसर हीट होता है या नहीं, ठीक है। और नहीं होता है तो उसके लिए हमें दूसरा ऐसा मदरबोर्ड मंगा के ये मॉस्फेट लगाना है, ठीक है। फिलहाल आपको दिखाया कि शॉर्टिंग को किस तरह चेक करते हैं, क्योंकि कंपोनेंट भी कभी कभी शॉर्ट नहीं दिखाता है, जैसे अभी आपने देखा। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, इतना हमारा सर्किट भी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और डस्ट वगैरह है इसमें, तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमारा प्रोसेसर हीट हो रहा है या नहीं, ठीक है। ऑन कर लेते हैं, तो देखिए अभी हमने जैसे ही मॉस्फेट लगाए फिर हमारा ये शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि आपको ये पैनल पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकाल देता हूँ, ठीक। और इसके अलावा थोड़ा आईपी डाल देता हूँ, जल्दी हमारा ठंडा हो जाएगा सर्किट, ठीक है।
थोड़ा सा गर्म है अभी, मगर चलिए कोई नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। भाई नॉर बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है, फिर देखता हूँ एक बार ऑन करके। तो दोस्तों वही बात है, अभी इस सर्किट को पूरा फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये फंडा क्लियर होगा, मदरबोर्ड हमारा तब क्लियर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को थोड़ा अभी यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल में कोई कंपोनेंट है नहीं, मगर आप ये सीख गए कि किस तरह हम शॉर्टिंग को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।